हेलो गाइस मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फोर यू में आपका स्वागत है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं इस वीडियो में लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं यानी एलडीसी से लेकर बहुत सारे पदों में आवेदन आमंत्रित हैं तो आप चाहते हैं कि सभी पदों के बारे में डिटेल जानकारी तो इस वीडियो को अंत तक देखिए यह जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए हैं जिसमें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए कुल दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एल फाइव का पद है उनतीस हज़ार दो सौ से लेकर बानवे हज़ार तीन सौ रुपये पर मंथ सैलरी है एज लिमिट अधिकतम अट्ठाईस साल हैं और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री हैं यानी डिग्री इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस हैं और संबंधित सब्जेक्ट में दो साल का एक्सपीरियंस है इस वीडियो में सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं कॉपी होल्डर के लिए एक पद है एज लिमिट सेम है सॉरी सैलरी सेम है एज लिमिट तीस साल है क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री क्रिजनाइज यूनिवर्सिटी और तीन साल का एक्सपीरियंस संबंधित सब्जेक्ट में असिस्टेंट के लिए कुल दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं एज लिमिट अधिकतम अट्ठाईस साल हैं क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री हैं और पाँच साल का एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के फील्ड में होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पद हैं एल फोर का पद है पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेकर इक्यासी हज़ार एक सौ रुपये पर मंथ सैलरी हैं और एज लिमिट तीस साल हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी बैचलर डिग्री से रिलेटेड हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पद है तो आपको पता है कि इस पद के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए एल के लिए कुल आठ पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है इसमें जनरल कैटेगरी में तीन पद हैं ओबीसी में दो पद हैं ई में एक पद हैं एस में दो पद हैं एल का पद हैं उन्नीस से लेकर तिरसठ हज़ार पर मंथ सैलरी हैं एज लिमिट अधिकतम अट्ठाईस साल हैं और बारहवीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं इसके अलावा टाइपिंग स्पीड है हिंदी या इंग्लिश यदि इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट हैं यदि आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए एक पद है एल टू का पद है सैलरी सेम है क्वालिफिकेशन में बारहवीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं और इस पद के लिए हिंदी टाइपिंग वर्ड पर मिनट है लिफ्ट ऑपरेटर के एक पद हैं सैलरी सेम है अट्ठाईस साल एज लिमिट है और बारहवीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं इसके साथ ही संबंधित सब्जेक्ट में आपके साथ ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी ज्ञान होना चाहिए स्टाफ कार ड्राइवर का एक पद है सैलरी सेम है एज लिमिट तीस साल हैं बारहवीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं संबंधित सब्जेक्ट में दो साल का एक्सपीरियंस है स्कूटर ड्राइवर का एक पद है एज लिमिट तीस साल हैं और सैलरी सेम है बारहवीं क्लास यानी बारहवीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित किया गया है एम के लिए एलेवन पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित हैं और इस पद के लिए सैलरी की बात करें तो अठारह हज़ार से लेकर छप्पन हज़ार नौ सौ रुपये पर मंथ सैलरी है एज लिमिट अधिकतम अट्ठाईस साल हैं और क्वालिफिकेशन में दसवीं क्लास पास आउट होना चाहिए एम टी एस वाच एंड वार्ड अटेंडेंट के कुल दो पद हैं सैलरी सेम है एज लिमिट अट्ठाईस साल हैं दसवीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट का एक पद है सैलरी अठारह हज़ार से लेकर छप्पन हज़ार नौ सौ हैं एज लिमिट अट्ठाईस साल हैं अधिकतम और दसवीं क्लास पास आउट पे आवेदन आमंत्रित हैं सफाई कर्मचारी के लिए कुल तीन पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है सैलरी सेम है एज लिमिट अट्ठाईस साल हैं और दसवीं क्लास सॉरी दसवीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं इस पद के लिए अप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं तो जनरल ओ और ई कैंडिडेट के लिए पाँच सौ शुल्क हैं ए सी कैंडिडेट के लिए दो सौ शुल्क हैं आपको रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होना है इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है पहले आपको क्या करना है कि जो एडवर्टाइजमेंट हैं जो का कर... यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है और वेबसाइट पे कैंडिडेट के लिए गाइडलाइन दिया है जो कैंडिडेट 2022 में गाइडलाइन आया था उस गाइडलाइन को वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको पढ़ना है उसके बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट तिथि है इसकी हम बात करते हैं तो उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी है कहां पे आया है तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित किया गया है यानी आईसीएचआर में आवेदन आमंत्रित हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं अब एक और नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड किया हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि वह कौन सा नोटिफिकेशन है <coughs> सॉरी ये देखिए ये दूसरा नोटिफिकेशन है इसी भर्ती से रिलेटेड है इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली का ये है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है जो वेबसाइट पे मिलेगा आपको और वो आपको डाउनलोड करना है अभी मैं आपको वेबसाइट पर भी लेकर चलूँगा जहाँ से बताऊँगा कि आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तेरह फरवरी दो हज़ार तेईस है यहाँ पर दिखाई दे रहा है तेरह फरवरी दो हज़ार तेईस से और यहाँ पे एक नोट दिया है कि कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो 2022 का है वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको केयरफुली यानी अच्छे तरीके से पढ़ना है उसके बाद ही कंप्लीट अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दी गई है सॉरी जी मेल दिया गया है यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने में या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए जी मेल आई आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट पर जहाँ से आपको डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और बताऊँगा कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे थोड़ा सा वेट कर लीजिए देखिए ये वेबसाइट है और इसमें मैं आपको डिटेल जानकारी बता रहा हूँ सॉरी इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे कि जो जानकारी हमें चाहिए वो दिखाई दे अब यहाँ पे आते हैं तो यह वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूँगा यहाँ पर लेटेस्ट दिया है और इसमें और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट इन ग्रुप सी के लिए नोटिफिकेशन यहां से डाउन कर डाउनलोड करना है और जो इंस्ट्रक्शन है ग्रुप सी के लिए वो यहां से आपको डाउनलोड करना है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जिससे कि आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे धन्यवाद